हेलो बच्चों, कैसे हो? रिवाइज किया आपने? नहीं, रिवाइज छोड़ो, मैंने आपको शायद एक होमवर्क भी दिया था। हाँ, मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 9 अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी बेसिक वाली जो पार्टनरशिप है हमारी। और उसमें मैंने आप लोगों को बोला था ये 9, 10, 11 एंड वन मोर 12, ये चार क्वेश्चन मैंने आपको करने को बोले थे 9 to 12। तो आपने किए कि नहीं किए? अगर किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने किए होंगे, तो आ जाइए देख लीजिए जरा कि आपने ठीक किया या नहीं किया। मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा 9th से। देखना जरा 9th क्या था। 9th में ये कह रहा था कि मिस्टर ए हैं कोई, विड्रू करते हैं 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में 5,000 विड्रू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला हमें पता है, एनुअल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब अगर वो 5,000 विड्रू करते हैं हर क्वार्टर के एंड में, तो साल बार कितने, साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर। तो हर क्वार्टर में एक बार ड्रॉइंग होगी, तो साल में 4 बार ड्रॉइंग होगी आपकी, 4 क्वार्टर की ड्रॉइंग हो गई। रेट जो है आपका वो गिवन है 10% पर एनम। एवरेज मंथ कैसे निकालोगे? पहली ड्रॉइंग कब होगी? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, ये वाला था 31 मार्च। कितने मंथ्स बीत चुके? जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, 3 महीने लैप्स हो चुके हैं, बचे 9 महीने। आखिरी ड्रॉइंग कब होगी? आखिरी क्वार्टर के एंड में, यानी 31 दिसंबर। कितने मंथ्स बचे? मंथ्स क्या, दिन भी नहीं बचा, जीरो। तो एवरेज मंथ आ गया 4.5। सॉल्व करें जरा, तो 5,000 × 4 का 10% डिवाइडेड बाय 12 × 4.5, 750। 750 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये तो एट द एंड आपने किया होगा, तो चेक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ठीक होगा आपका, नहीं होगा तो गलती पता लग जाएगी। उसमें क्या है, 9th हो गया। अब जरा 10th पे आ जाओ। मिस्टर ए विड्रू 5,000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब की बार मिडल ऑफ ईच क्वार्टर आ गया। 5,000 भाई मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में का मतलब भी है तो सेम ही के 4 ही बार ड्रॉइंग होगी ईयरली। तो 5,000 × 4, रेट सेम है 10%। एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग? अगर मिडल में करते हो तो पहली ड्राइंग हो गई आपकी 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे पर। 14 फरवरी को अगर ड्राइंग हुई है, तो कितने महीने बीत चुके हैं? जनवरी पूरा बीत चुका है, फरवरी आधा बीत चुका है, यानी 1.5 महीना बीत चुका है, कितने बचे हैं? 10.5। लास्ट ड्राइंग 15 नवंबर को हुई है, कितने महीने बचे हैं? 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 आ गया, ₹1,000। ये आपकी क्वार्टरली 12 महीने, 6 महीने की ड्राइंग इस तरीके से चलती है। अगर इसी में मैं आपसे डिस्कशन करूं, जैसे 10th है हो गया हमारा, 11th में कहता है मिस्टर ए विड्रू 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ। हर 2 महीने की बिगिनिंग में 5,000 विड्रू करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 विड्रू करेगा। साल में कितनी बार ड्रॉइंग करेगा, चलो ये बताओ। हर 2 महीने की शुरुआत में करेगा, तो साल में दो दो महीने का अगर मैं कर दूं, तो 6 बार ड्रॉइंग होगी। हर 2 महीने की बिगिनिंग में है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। पहले ड्राइंग कब होगी? साल के पहले 2 महीने की शुरुआत, यानी अगर हम अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलें, तो जनवरी फरवरी की स्टार्टिंग, यानी 1 जनवरी। लास्ट होगी 1 नवंबर को। तो जो 1 जनवरी को होगी वो पूरे 12 महीने, और जो 1 नवंबर को होगी वो सिर्फ 2 महीने। 12 + 2 / 2, 7 रुपीज। चेक करते हैं,
सिक्स फाइव या 30 और ये 3000 डिवाइड बाय 12 इंटू 7 रुपीज 1750 रुपीज 1750 आपका आ गया। मैंने आपको ये सारे होमवर्क दिए थे, आपने किए होंगे। ट्वेल्थ एंट्री की अगर मैं तरफ बढ़ता हूँ तो उसमें कहता है मिस्टर ए विड्रू 5000 एट द मिडल ऑफ एवरी 4 मंथ्स, हर 4 महीने के मिडल में। तो हर 4 महीने के मिडल का क्या मतलब हो गया भाई, साल में अगर मैं 4-4 महीने का एक गैप बनाऊं तो कितने बार होगा, 3 बार। हर 4 महीने के मिडल का मतलब हो गया 4 × 3 = 12, तो 3 बार ड्रॉइंग हुई होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी हमने सेम रखा हुआ है। एवरेज मंथ कैसे निकालोगे हर 4 महीने के मिडल में? पहले 4 महीने कौन से कवर होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। साल में 3 बार हुई हर 4 महीने के मिडल में। पहला जो आपका 4 महीने का है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसका मिडल क्या बैठेगा? मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं 1 मार्च बैठेगा। आप क्या कहते हो, 1 मार्च, 2 महीने जनवरी फरवरी बीत गए, मार्च अप्रैल बचा दो, 1 मार्च। ऐसे यहाँ पर 1 जुलाई और लास्ट में आपके पास आता है यहाँ पे 1 जुलाई आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पे अभी भी 1 नवंबर ही है। तो 1 मार्च से लगाऊंगे मंथ्स 9 मंथ्स और 1 नवंबर से लगाऊंगा तो 2 मंथ्स, 9 + 2 / 2 5.5। चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 15,000 का 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, 688 कर रहा हूँ राउंड ऑफ। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है सर। तो इस तरीके से चलता है। अब आप कुछ भी आएगा तो मुझे उम्मीद है आप कर लोगे आईओडी में। अच्छा, आईओडी में ना एक पॉइंट और होता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ एनुअल ड्रॉइंग इज गिवन। अगर पूरे साल की ड्रॉइंग आपको एक साथ दी हुई है तो उस केस में कैसे होगा? मैंने इसी के लिए आपको बोला था कि ये दो, फर्स्ट और टू, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जैसे फर्स्ट वाला देखो, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि मिस्टर ए ने विड्रू किया ₹1,00,000 फॉर प्राइवेट यूज। अब ये तो नहीं बताया कि ये 1,00,000 उसने जो विड्रू किया वो कैसे किया, क्या उसने किस डेट को किया, कितना अमाउंट विड्रू किया, कुछ नहीं बताया आपको। बस ये बता दिया कि पूरे साल में मिस्टर ए विड्रू करता है 1,00,000। तो इसे कहा गया कि एनुअल ड्रॉइंग गिवन है प्लस इंटरेस्ट का रेट गिवन है 6% पर एनम ऑन ड्रॉइंग। फर्स्ट या फर्स्ट छोड़ो, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि अगर एनुअल ड्रॉइंग गिवन है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालोगे। आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे कि भाई एनुअल ड्रॉइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू, यहां पे हम लोग 6/12 कर देते हैं क्योंकि हम लोग एक एजम्पशन करते हैं, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि एज्यूम ड्रॉइंग्स आर मेड इन मिडल ऑफ एवरी मंथ, कि कुछ लिखा नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो ड्रॉइंग्स हैं वो हर महीने के बीच में होती है, और जब हर महीने के मिडल में ड्रॉइंग होती थी ना तो एवरेज मंथ 6 आता था, ये एवरेज मंथ 6 आता था, तो इसीलिए यहाँ पर 6 ले लिया गया। अब इसी के ऊपर मैं फर्स्ट वाला अपना सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में एनुअल ड्रॉइंग हमें गिवन है 1,00,000, 1,00,000 की एनुअल ड्रॉइंग हो गई, रेट हो गया 10% एंड 6/12 ₹5,000। मैं आपके साथ सेकंड पार्ट अगर पढ़ूं तो आप ध्यान दीजिए, 1,00,000 की ड्रॉइंग फॉर प्राइवेट यूज, इंटरेस्ट इज 6% ऑन ड्रॉइंग। एज अ स्टूडेंट आपको लगता है सर फर्स्ट एंड सेकंड लगता है मिसप्रिंट हो गया, आपने दोनों सेम डाल दिए। नहीं बच्चे, दोनों सेम नहीं है, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, ढूंढ पाओगे?
बिल्कुल आप लोग ढूंढ पाओगे, यहाँ पर पर एनम गिवन है, यहाँ पर एनम गिवन नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। जब भी रेट के साथ अगर पर एनम गिवन नहीं होता, इफ पर एनम इज नॉट गिवन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन we should ignore time factor। ये जो हम लास्ट में निकालते हैं ना एवरेज मंथ बाय 12, ये टाइम फैक्टर है। अगर पर एनम ही नहीं गिवन तो फिर आप टाइम फैक्टर को कंसिडर ही नहीं करोगे, आप टाइम फैक्टर को इग्नोर कर दोगे फिर बिल्कुल। यानी अब बाकी क्वेश्चन तो सेम है फर्स्ट की तरह, तो आप सिंपल करोगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए एनुअल ड्रॉइंग थी 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ये जो 6/12 मेरा टाइम फैक्टर था इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। वाई सो? बिकॉज पर एनम इज नॉट गिवन, पर एनम गिवन नहीं है, तो 10,000 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया। क्लियर है यहां तक जी? तो कुछ इस तरीके से मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने कंप्लीट किए। आपको याद होगा ये वो टॉपिक है जहां पर हमारी जो ड्रॉइंग का टाइप है वो इवन है या रेगुलर है, एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉन हो रहा है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड बेसिकली क्या है, जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% इफ मिस्टर एस ड्रू एस फॉलो। अगर मिस्टर एस ने ड्रॉइंग इस तरीके से की है, किस तरीके से, 10% पर एनम का रेट है, मिस्टर एस 1 फरवरी को निकालता है 2000। इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो मैं लिख देता हूं, ईयर एंडेड ऑन 31st दिसंबर। हर साल 31 दिसंबर को आपका ईयर क्लोज होता है। 1 फरवरी को 2000, फिर 1 मई को 5000, फिर 30 जून को 2000, 31 अक्टूबर 6000, 31 दिसंबर 2000। यहां पर हम लोगों को प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना होता है। और ध्यान से देखना मैं प्रोडक्ट मेथड कैसे करूंगा। अगर आप साइंस से हो या नॉन कॉमर्स हो तो मीन मीडियन मोड के नाम से आपने इसको पढ़ा है अपने मैथ्स में अच्छे तरीके से। आंसर नंबर 2, प्रोडक्ट मेथड यूज होगा क्योंकि जो ड्राइंग है वो ड्राइंग क्या है, वो अनइवन है, इररेगुलर है। सबसे पहले आएगा डेट ऑफ ड्राइंग, फिर आएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फिर आएंगे नंबर ऑफ मंथ्स, और फिर आएगा प्रोडक्ट। डेट ऑफ ड्रॉइंग 1 फरवरी, 1 मई, 30 जून, मैं यहां लिखता रहता हूं 1 फरवरी, 1 मई, 30 जून, 31st ऑफ अक्टूबर, 31st ऑफ दिसंबर, 2000, 5000, 2000, 6000, 2000, 5000, 2000, 6000, लास्ट में शायद फिर 2000 ही है, 2000। अब आपने क्या करना है, ये तो आपके क्वेश्चन में गिवन था कि इस डेट को इतना अमाउंट विड्रॉन हुआ। अब आपको क्या करना है कि ये जो 1 फरवरी को ड्रॉन हुआ, तो मुझे पता है ईयर कब एंड होता है, ईयर एंड होता है 31st दिसंबर को। तो 1 फरवरी से 31st दिसंबर कितने मंथ्स हो गए, 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर आप 1 मई को ड्रॉइंग कर रहे हो तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 4 हटा दोगे तो 8 महीने। अगर आप 30 जून को ड्राइंग करते हो तो 30 जून से लगाओगे तो 6 महीने। 31 दिसंबर तक गिनने हैं, जितने महीने बचे हुए हैं उतने महीने का इंटरेस्ट लग जाता है। अक्टूबर नहीं गिना जाएगा, नवंबर एंड दिसंबर, 31 दिसंबर में 0 आ रहा है तो उसको हम लोग 0 लिख देंगे। अब आप क्या करोगे, अगर इसको 1 मानते हो और इसको 2 मानते हो तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे 1 × 2, 2000 × 11, 22000, 5000 × 8, 40000, 2000 × 6, 12000, 6000 × 2, 12000, यहाँ पर 0 आएगा,
टोटल करो, ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, साइंस की भाषा में सिग्मा लगा सकते हो आप, सम ऑफ प्रोडक्ट 22,000 में प्लस 40 प्लस 24, 86,000 आपका प्रोडक्ट का सम आ गया, डन। अब आप क्या करो, आईओडी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि सम, कहाँ बताया, ऊपर बताया तो था, भूल जाते हो, ये बताया था मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, सम ऑफ प्रोडक्ट रेट बाय 100 सम ऑफ प्रोडक्ट रेट बाय 100 1/12। अब सम ऑफ प्रोडक्ट आया 86। अच्छा आप अगर इसका टोटल करते हो तो 5, 2, 7, 2, 9, 6, 15 और 2 सिर्फ 17,000। क्या मेरी ड्राइंग 86 है ये जिसपे मैं आईओडी कैलकुलेट कर रहा हूं? नहीं, मेरी ड्राइंग तो सिर्फ 17,000 है, मैं 86 पे कैलकुलेट कर रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब 86 मेरी ड्राइंग का अमाउंट नहीं है, इसीलिए क्योंकि 86 तक पहुंचने के लिए मैंने इसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया है, तो वापस उस नंबर ऑफ मंथ्स का इंपैक्ट नलिफाइड करने के लिए हम इसको मंथ से डिवाइड कर देते हैं। ये रीजन है कि हम लोग 1/12 लगाते हैं। तो 86,000 का 10% डिवाइड बाय 12, 717 आपका राउंड ऑफ आंसर आ गया। कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मेथड से आईओडी निकलता है। डन जी, आईओडी मैंने आपके साथ कंप्लीट किया। अब मैं आपके साथ बात करूंगा एक और टॉपिक पे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेट आईओसी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कैलकुलेट आईओसी ऑफ मिस्टर बी, मिस्टर बी की आईओसी निकालिए। हु इज हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑफ 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2011। ऑन 1 जुलाई 2011 बी इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल, आईओसी 10% पर एनम। लगेगा आईओसी कैलकुलेशन के लिए भी प्रोडक्ट मेथड का ही इस्तेमाल होता है। जब आप आईओसी कैलकुलेट करते हो किसी की, तो उसके लिए भी आप लोग प्रोडक्ट मेथड का ही यूज करते हो। थर्ड पॉइंट, या मैं कहता हूं आंसर नंबर थर्ड, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, और वो कैसे आएगी, डेट अमाउंट नंबर ऑफ मंथ इफेक्टिव कैपिटल। सबसे पहली डेट 1 अप्रैल 2011, अमाउंट कितना था इनका स्टार्टिंग में, 50,000। अच्छा उसके बाद इन्होंने 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाई 10,000। अगर ये एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं 10,000 1 जुलाई को, और पहले से 50,000 है, तो क्या मैं नहीं कह सकता कि 1 जुलाई को इनकी कैपिटल 60,000 हो जाएगी? क्या मैं नहीं कह सकता कि 1 जुलाई को इनकी कैपिटल 60,000 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। अब देखना ध्यान से, 1 अप्रैल को कैपिटल थी 50,000, अप्रैल में भी 50,000 रही, मई में भी 50,000 रही, जून में भी 50,000 रही, 3 महीने 50,000 रही कैपिटल। उसके बाद 1 जुलाई को जाकर वो कैपिटल 60,000 हो गई। तो जुलाई उसे लेके मार्च 2012, यानी अगले 9 महीने कैपिटल कितनी रही, 60। 50,000 कैपिटल रही 3 महीने, तो इफेक्टिव कैपिटल आ गई 150, और 60,000 कैपिटल रही 9 महीने, तो इफेक्टिव कैपिटल आ गई 540।
आप इसका टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि इफेक्टिव कैपिटल कितनी आ गई, 690। अब आप इसको चाहे तो इफेक्टिव कैपिटल कह लो, चाहे प्रोडक्ट का सम कह लो, बात आपकी मर्जी है, दोनों सेम बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू इफेक्टिव कैपिटल इनटू रेट बाय 100, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया है तो मैं नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड भी करूंगा। इफेक्टिव कैपिटल 6,90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, वन बाय ट्वेल्व 6,90,000, 10% डिवाइड बाय 12, 5,750। ये आपका आईओसी आ गया और आपकी इफेक्टिव कैपिटल आ गई। तो दोनों चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की कि आईओसी कैसे निकलता है और इफेक्टिव कैपिटल भी कैसे निकलती है। अच्छा जी, एक चीज और इसी में, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। कैपिटल ऑफ मिस्टर आजाद एट द एंड ऑफ ईयर, आपको ईयर एंड की कैपिटल दी हुई है 50,000। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर आजाद ने विड्रू किया ₹10,000। कैलकुलेट आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आंसर नंबर 4 पे आने से पहले मैं आपको एक दो नोट लिखवा दूं। सबसे पहली बात तो ये कि आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन इज नॉट गिवन। आईओसी हमेशा आप लोग कैलकुलेट करोगे किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। अगर एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन गिवन नहीं है, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन है, तो फिर तो आईओसी में इफेक्टिव कैपिटल निकलेगी। लेकिन अगर कैपिटल विड्रॉन या फिर एडिशनल कैपिटल मेंशन नहीं है, तो जो ओपनिंग कैपिटल थी उसी पर आप लोग आईओसी निकालोगे। सेकंड नोट, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, तो आप ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओगे और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी क्वेश्चन में। उस क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए पूरे साल में आपने जो भी ड्राइंग्स की हैं, मैं ड्राइंग्स की बात कर रहा हूं, मैं कैपिटल विड्रॉन की बात नहीं कर रहा। जो बिजनेस में से आपने कैपिटल विड्रॉन कर ली परमानेंटली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग्स की हैं, तो जो भी आपने ड्राइंग्स की हैं वो क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने तक वो माइनस हुई होंगी। वापस ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचने पे उसको रिवर्स करो, वापस ऐड करो, और जो भी आपका प्रॉफिट्स हुए होंगे वो आपने ऐड किए होंगे तो उसको माइनस कर दो, ब्रैकेट डिनोट्स माइनस। तो ये जो निकल कर आएगा ये आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। आई होप क्लियर होगा आपको यहां तक, बिल्कुल क्लियर है जी। अब इसी के बेस पर मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर उसने मुझे ये बोला कि भाई मिस्टर आजाद हैं कोई और उनकी जो कैपिटल एट द एंड वाली दी हुई है, यानी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 50,000, ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 10,000 विड्रॉन किया है, और ये कैपिटल विड्रॉन नहीं है, ये ड्रॉइंग है, प्रॉफिट मेंशन नहीं है। आंसर नंबर 4 की 5, 4, तो इसमें आपने आईओसी निकालना है। आईओसी का फॉर्मूला हमको पता है कि भाई ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, मुझे पता है भाई क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और ड्रॉइंग गिवन है,
तो मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड होगी या माइनस होगी? सर क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए ड्रॉइंग माइनस हुई होगी, अब हमें वापस ओपनिंग पे पहुंचना है तो प्लस होगी। आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है कितनी? 50,000 और ड्रॉइंग गिवन है 10,000। 50,000 प्लस 10,000 तो आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो 60,000 आ गई। उसी ओपनिंग कैपिटल पे 60,000 पे आपने रेट लगाना है, रेट है आपका अभी 5%, 6 5 जा 30, 3,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होगा किस पर? ओपनिंग कैपिटल पर। डन। अब मैं आप लोगों के साथ, अभी तक मैंने आप लोगों के साथ आईओसी और आईओडी दोनों डिस्कस किए हैं, फुल फ्लेज हमने डिस्कस कर लिए हैं, इफेक्टिव कैपिटल भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मैं आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा सैलरी और कमीशन का। सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू अ पार्टनर। अच्छा, कमीशन मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था अपने किसी लेक्चर में कि कमीशन दो टाइप से होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग। सच कमीशन, जो कमीशन आपको निकालनी है उसको निकालने से पहले वाले नेट प्रॉफिट पे देना है तो बिफोर चार्जिंग, आफ्टर देना है यानी जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें से जो कमीशन आप कैलकुलेट करना है उसको भी माइनस करो, उसके बाद कमीशन दो, तो आफ्टर चार्जिंग। पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किया था, बिफोर वाले में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नेट प्रॉफिट, बिफोर के केस में सिंपल रेट बाय 100 हो जाता है, लेकिन आफ्टर के केस में होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब इसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है कि ए और बी पार्टनर है, ए को सैलरी मिलती है 20,000 पर मंथ टूगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कहता है नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर देना, लेकिन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जो कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो उसे माइनस नहीं करना है। बी को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी 50,000 सालाना पर एनम टुगेदर विद कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी। सारे पार्टनर्स की सैलरी, सारे पार्टनर्स की कमीशन को माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 8%। ये आफ्टर वाला केस है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर इज 590। कैलकुलेट कमीशन एंड सैलरी ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर की सैलरी और कमीशन आपको कैलकुलेट करना है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। हाँ जी, आंसर नंबर 5, कैलकुलेट द कमीशन एंड सैलरी ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर की सैलरी और हर पार्टनर की कमीशन आपको निकालनी है। ए और बी दोनों के मैं अलग से बना लेता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए और थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं लिख लेता हूँ बी। ए की सैलरी कितनी है? ए की सैलरी है 20,000 पर मंथ, 20,000 × 12, इसकी सैलरी हो गई 2 लाख। कहाँ लिखें? ये लिख लेते हैं भाई, चलो 240। बी की सैलरी है 50,000 पर एनम, तो इसकी सैलरी मैंने यहाँ लिख ली 50,000 पर एनम। अब अगर मैं ए की कमीशन की बात करूँ तो ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा कि ए की कमीशन के लिए क्या बोला गया था। मैं इनको फिर मिटा देता हूँ एक बार, वरना आपको दिक्कत होती है। फिर दोबारा से जो पॉइंट्स हैं मैं हाईलाइट करूंगा। कमीशन बोला गया था 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन माइनस नहीं करनी, यानी जो कमीशन आप कैलकुलेट कर रहे हो वो माइनस नहीं करना है,
सिर्फ पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है नेट प्रॉफिट में से। नेट प्रॉफिट है 590, तो नेट प्रॉफिट है आपके पास 590, उसमें पार्टनर्स की सैलरी माइनस करो, ए की 240, बी की 50, और उसका 10% बिफोर चार्जिंग है, जो कमीशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसे माइनस करने को नहीं कह रहा, तो बिफोर चार्जिंग है रेट अपॉन 100, तो 290 यानी ये बचा 3 और ये आ गया 30,000। तो ए का टोटल हो गया कहीं ना कहीं 270, बी की कमीशन देखो, अब बी की कमीशन कैसे आएगी, नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ 590, बी की कमीशन देखो 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी। कहता है जितनी कमीशन है वो भी माइनस करो और जितनी पार्टनर्स की सैलरी है, मेरे यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस यहाँ लगा हुआ है, ये बाद में लगाओगे तो भी चलेगा, पार्टनर्स ही हैं वो कि पार्टनर्स की सैलरी, जितने पार्टनर्स हैं उनकी सैलरी और सबकी कमीशन आपको माइनस करनी है। तो पहले तो सैलरी माइनस कर लो सबकी, सैलरी हमने माइनस की थी ना 240 और 50, तो 290 में सीधा सैलरी माइनस कर देता हूँ। जब मैं कमीशन की बात करूँगा तो मुझे इसकी कमीशन पता है ए की 30, लेकिन वो कह रहा है ऑल कमीशन, यानी जिस पार्टनर की आप कमीशन निकाल रहे हो बी की, वो भी माइनस करो। यार वो कैसे माइनस करूँ, वो तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो उस केस में हम लोग लगाते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 8 अपॉन 108 हो जाएगा। तो 590 माइनस 290 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 108, कुछ गलती हुई है, एक सेकंड रुको, 590 माइनस 290 3 लाख माइनस 30 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108, तो ये आ गया हमारे पास 20,000, ये आ गया हमारे पास 20,000, 50 प्लस 20 70,000। तो ये आपका कमीशन का केस था। एक बार जरा आज हमने कहाँ से किया है उसको नोट कर लो पॉज करके, ऐसा ना हो कि मैं बाद में भूल जाऊँ। कहाँ से किया हमने, शायद 9 से किया है ना, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो। डन है सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कहीं ना कहीं इफेक्टिव कैपिटल वाला ही क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 1998, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 1998 को, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 1998 को। कितना पैसा लगाया, 10,000 एक ने लगाया, 6,000 एक ने लगाया। दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो मीन्स इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, विद द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट कैपिटल रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आपको कैपिटल रेशियो भी कैलकुलेट करनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करना है, अगर 12% पर एनम के हिसाब से आईओसी है तो। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अब आपको पता है कि भाई ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है ए और बी की, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड,
कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ए और बी ने इतना इतना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि जैसे 1 मार्च है तो 1 मार्च को ए ने 2000 लगाए, फिर मैं 1 अप्रैल की बात करूं तो बी ने लगाए 7000 और उसी डेट पर ए ने निकाल लिए 3000। अगर मैं 1 जून की बात करूं तो ए ने लगाए 4000 और बी ने निकाल लिए 6000। अगर मैं 30 सितंबर की बात करूं तो 30 सितंबर को बी ने लगाए 8000 और ए ने निकाल लिए 8000। इस तरीके से की बनाई है। अच्छा ध्यान से समझना, मैं पहले ए का कराऊंगा, ए का कराते ही मैं आपको बोलूंगा कि भाई पोज कर लो और बी का करो, उसके बाद प्ले करना, समझ रहे हो? मैं नहीं रुकूंगा बट आप पोज कर देना एक बार के लिए और फिर बी का खुद करना, फिर देखना आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं करता है। आइए जी, आंसर नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, और मैं ए की बात कर रहा हूं पहले, डेट कैपिटल अमाउंट नंबर ऑफ मंथ्स कह लो या इफेक्टिव मंथ्स कह लो, प्रोडक्ट कह लो या इफेक्टिव कैपिटल कह लो। सबसे पहले 1 जनवरी 1998 ए की कैपिटल गिवन है 10000, ये आपको यहां ऊपर गिवन थी ये रही। उसके बाद ए ने इंट्रोड्यूस किया, अब मैं सिर्फ ए की बात करूंगा पहले, ए ने इंट्रोड्यूस किया 2000, तो मैं कह सकता हूं भाई 1 मार्च को अगर वो 2000 इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12000 हो जाएगी। फिर ए ने, मैं बी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ए की बात कर रहा हूं, ए ने 1 अप्रैल को 3000 निकाल लिए, 3000 निकालेगा तो कैपिटल कितनी रह जाएगी? 9000 रह जाएगी। फिर ए ने 4000 लगाए 1 जून को, तो 1 जून को जब 4000 लगाएगा तो उसकी कैपिटल 13000 हो जाएगी। 30 सितंबर को ए ने 8000 निकाल लिए, 8000 निकाल लोगे तो कैपिटल कितनी रह जाएगी? सिर्फ 5000 रह जाएगी। तो इस तरीके से जब इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल इंक्रीज, जब कैपिटल विड्रॉन करेगा तो कैपिटल डिक्रीज। अब अगर मैं आपसे नंबर ऑफ मंथ्स की बात करूं तो जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स कैपिटल 10000 रही, फिर मार्च में कैपिटल 12000 हो गई, फिर अप्रैल और मई में कैपिटल जो है वो 9000 हो गई, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने कैपिटल ये रही, फिर ये 30 सितंबर की डेट है ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ये रही, टोटल कर लेना 12 आना चाहिए, 4 और 3 7 8 9 10 11 12। अब 10000 × 2 20000, 12000 × 1 12000, 9000 × 2 18, 13000 × 4 52, 5000 × 3 15000। अब आप इसका टोटल कीजिए, 20 + 12 + 18 + 52 + 15, 117000, ये इफेक्टिव कैपिटल हो गई, इफेक्टिव कैपिटल, अभी पॉज मत कर देना, ऑफ ए 117000। अब अगर मैं आईओसी निकालूं, आईओसी ऑफ ए, तो क्या फॉर्मूला था? इफेक्टिव कैपिटल इंटू रेट बाय 100, क्या रेट गिवन है आपको? ये रहा 12% पर एनम, तो 12% एंड लास्ट में आप 1/12 करोगे, तो ये 12 से 12 कट ही जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1170 मेरा आईओसी आ गया ए का। अब जैसे मैंने ए का निकाला है ऐसे ही आप बी का निकालोगे, चाहे तो पहले इसको नोट कर लो पोज करके, ये लो पोज एंड नोट लो,
पॉज एंड नोट। अब पॉज करो और बी का कर लो। चलिए जी, बी का कर लिया होगा आपने। अब मैं आपके साथ बी का कैलकुलेट करता हूं। डेट, कैपिटल अमाउंट, इफेक्टिव मंथ, इफेक्टिव कैपिटल। सबसे पहले 1 जनवरी को कैपिटल थी 6,000, या आपने लिखी के भूल गए पता नहीं। उसके बाद मैं ए के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर बी के लिए, सॉरी, बी ने 7,000 1 अप्रैल को लगाए, तो सीधा 1 अप्रैल को आएंगे, 7,000 लगवाएंगे तो 13,000। फिर कहाँ है बी? बी 1 जून पे, एक मार्च में बी कहीं भी नहीं था, 1 अप्रैल को था, फिर 1 जून को है, 6,000 उसने निकाल लिए। तो 6,000 अगर वो 1 जून को निकालता है तो कैपिटल 1 जून को 7,000 रह जाती है। फिर उसने 8,000 लगा दिए 30 सितंबर को, 8, 7, 15, बस 4 बार चलना था ये। इफेक्टिव मंथ देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने 6,000, फिर अप्रैल और मई, 2 महीने 13,000, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, 12, 6,000 इंटू 3, 18,000, 13,000 इंटू 2, 26,000, 4 इंटू 7,000, 28, 15 इंटू 3, 45, टोटल किया होगा आपने 18 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 45, मिरेकल सेम आ रहा है। ए का और बी का दोनों की इफेक्टिव कैपिटल सेम है, और ये बाय चांस सेम है। ऐसा नहीं है कि हर बार इफेक्टिव कैपिटल सेम आएगी, ऐसा नहीं है, ये बाय चांस की बात है कि सेम है। इफेक्टिव कैपिटल ऑफ मिस्टर बी रुपीज 1,17,000, तो आईओसी भी सेम ही निकलेगा फिर तो, 1,17,000, रेट था 12% इंटू 1/12, 1,170। और एक आपने से क्वेश्चन में और मांगा था उसने कैपिटल रेशियो, तो दोनों की कैपिटल को प्रोपोर्शन में रखो, 1:17 रेशियो 1:17, 1:1, ये आपकी कैपिटल रेशियो वाले। तो इस क्वेश्चन में हमने इफेक्टिव कैपिटल, आईओसी, प्रोडक्ट मेथड, कैपिटल रेशियो सब कुछ सीख लिया। नोट करना भी का आपने कर लिया होगा, जो चेंजेस होंगे वो आपने कर लिए होंगे। चलिए जी, मैंने आपके साथ जैसा कि वादा किया था जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था आपके साथ, तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे, इसके सारे पॉइंट्स को। हमने आईओडी को डिस्कस कर लिया, हमने आईओसी को, सैलरी को, कमीशन को, रिजर्व में सच कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। अब मैं आप लोगों के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर आऊँगा। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, और ध्यान से देखना, आंसर नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, देखना पड़ेगा कब बंद करा रहा है ये, कुछ करार बता रहा है कि नहीं, नहीं ईयर शायद नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है, 1 अप्रैल 2009 का ईयर है। एक अप्रैल 2009 का ईयर है तो ये 31 मार्च 2010 को बनेगा। पर्टिकुलर्स
अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी। और देखेंगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो। डेबिट क्रेडिट चलिएगा, ध्यान से करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा स्टार्टिंग होगी बाय नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके साथ, अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपके साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी इग्नोर करो, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर फोकस करो। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, पी को एंटाइटल होगा 50% ऑफ फर्स्ट रुपीज 10,000, क्यू को 30%, आर को 20%, रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट आर शेयर्ड इक्वली। कहता है जो भी प्रॉफिट आपको होगा ना फर्म को, उसमें पहले 10,000, मान लो मैं वैसे एज्यूम कर रहा हूं, मान लो आपको प्रॉफिट हुआ 25,000 का, तो इस 25,000 के जो पहले 10,000 होंगे वो 50, 30 और 20 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो रिमेनिंग होगा रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट कितना होगा 15, वो इक्वली होगा। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया आपके साथ ही, अभी इसका मतलब ये था। 1 अप्रैल को कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 40, 30, 20। पी क्यू आर तीनों को सैलरी मिलेगी 5,000 ईच पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर पी हैज ड्रोन 1,000, क्यू एंड आर इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रोन 25 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। कहता है ड्यूरिंग द ईयर पी ने ड्रॉइंग की है 1,000 की, क्यू और आर ने इन एडिशन टू देयर सैलरी, उन्होंने सैलरी तो विड्रॉन की सैलरी के साथ 2,500 और 1,000 रिस्पेक्टिवली विड्रॉन की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, आईओसी 12% लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन क्यूज लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 50,000। क्यू ने कोई लोन दिया हुआ है 50,000 का, उस पर 6% का इंटरेस्ट है। आर इज एंटाइटल टू अ नेट कमीशन एट द रेट ऑफ 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब है कि वो कमीशन भी माइनस करने के बाद आपको कमीशन देनी है, यानी आफ्टर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट 175 है, करंट अकाउंट का बैलेंसेज है 1,500, 2,000 और 1,000। मैं इस क्वेश्चन में पहले आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन कराऊंगा, फिर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 175, तो मैंने यहां उठा के आराम से 175 लिख दिया, डन। अब क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ता हूं दोबारा। तो पॉइंट नंबर 4 में बोला गया था कि क्या मिला, पी क्यू आर को सैलरी है 5,000 ईच पर एनम। आप यहां लिखेंगे टू सैलरी पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल 5,000 ईच पर एनम। पंद्रह हजार की सैलरी हमने इनको दे दी। और क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग, ड्रॉइंग नहीं आता प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, आईओसी आएगा 12% पर एनम। तो आप यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। आईओसी निकालने के लिए कैपिटल पता होनी चाहिए, वो आपको यहां से पता लगेगी 40, 30, 20, 40,000, 30,000, 20 और उस पर 12%। तो 4,800, 3,600, 2,400, 3 और 2 5 6, 10,800 ये भी आ गया।
इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी नहीं, वो है नहीं। इसको देखना जो 8th पॉइंट है, क्यू ने लोन दिया हुआ है फर्म को 50,000, उस पर 6% उसको इंटरेस्ट मिलना है साल का, तो 3,000 हो गया। उस 3,000 को आप हटाओगे नेट प्रॉफिट में से, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज माना जाता है, खर्चा माना जाता है। यानी फर्म जब लोन पर इंटरेस्ट देती है किसी पार्टनर को, तो वो पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं देती, वो किसी आउटसाइडर की कैपेसिटी में देती है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा आप माइनस करोगे नेट प्रॉफिट में से, 3,000। तो ये बचेगा आपका 172। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को प्लीज। अब कमीशन की बात आते हैं। आर को कमीशन मिलेगी 5% सारे खर्चे हटाकर, इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो मैं लिख देता हूं 2 कमीशन। आर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट है 172, उसमें से खर्चे हटाओगे तो सैलरी के नाम का 15,000, आईओसी के नाम का 10,800, और उसने बोला है कि जो कमीशन आप निकाल रहे हो उसे भी माइनस करना है। तो रेट क्या है? 5%। तो अगर उस कमीशन को भी माइनस करना है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा 172 माइनस 15 माइनस 10,800 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, 6962 की कमीशन आ गई, 6962 की कमीशन आ गई। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आए। देखो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है, फॉर्मेट आप देख लेना। नेट प्रॉफिट आता है, आईओटी आता है, आईओटी है नहीं, सैलरी आता है, आईओसी आता है, रिजर्व आता है, रिजर्व है नहीं, कमीशन आता है, कमीशन आ गया, इससे ज़्यादा और कुछ आता नहीं है सर इसमें। फाइनली मैं कैलकुलेट करूँगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा, इधर का टोटल 172, इस 172 में से माइनस कर लो 15,000, माइनस कर लो 10,800, माइनस कर लो 6962, 139,238। अच्छा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट किस किस में डिवाइड होगा? तीनों पार्टनर में। पीस करंट अकाउंट, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये जहां जहां मैंने कैपिटल लिखा है ना वहां वहां करंट आएगा, मैं बताऊंगा अभी क्यों। ये करंट अकाउंट आ गया, यहां पे भी तीनों में करंट अकाउंट आएगा। ये यहाँ पे भी है करंट अकाउंट आएगा, पी क्यूज करंट अकाउंट एंड आर्स करंट अकाउंट। लेकिन ये जो डिवीजन होगा ये हमें वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट है। वर्किंग नोट, डिवीजन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट डेट इज रुपीज 139,238। फर्स्ट रुपीज 10,000, पहले 10,000 रेशियो बताई थी मैंने आपको, पहले 10,000 की ये थी 50, 30, 20। सेकेंड पॉइंट देख लेना, तो 532 में पी क्यू आर फर्स्ट इन 532, तो मैं कह सकता हूँ 5,000, 3,000 एंड 2,000। फिर जो रिमेनिंग बचेगा
रिमेनिंग कितना बचेगा, टोटल कितना है, 139,238 माइनस 10,000, 129,238 इन इक्वल रेशियो, 1:1:1। तो पी क्यू आर में इक्वली डिवाइड कर दो इसको, माइनस 10,000 डिवाइड बाय 3, तो पॉइंट्स में आएगा 43079, 43079 माइनस 129,238, 43080। किसी एक को मुझे राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा। अब अगर मैं पी की बात करूं तो पी का टोटल कितना हो गया, 5 प्लस ये, तो 48079, 48079। ऐसे क्यू की बात करूं तो 3 प्लस ये, तो 46079, 46079। और अगर मैं आर की बात करूं तो 2 प्लस ये, तो 45080। लीजिए जी, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये आपने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है जी, चलिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ ना एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैं आपको यहीं से बता दूंगा, हमारे पास इसमें होगा कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट होंगे। ठीक है, देखिए मैं पहले थोड़ी सी इसके लिए जगह छोड़ देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर पी क्यू आर, पर्टिकुलर पी क्यू आर। ये मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा छोटा सा, फिर आएगा पार्टनर्स, ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए जगह छोड़ रहा हूँ सिर्फ, फिर आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर पी क्यू आर, पर्टिकुलर पी क्यू आर। डन है जी, डन है, यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपके साथ एक बार ये टॉपिक डिस्कस कर लेता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ना दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। डन जी। फिक्स्ड में क्या होता है, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि आज जब हमने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है तो हम लोगों ने 50,000 50,000 ईच इंट्रोड्यूस किया है एज कैपिटल। आज से 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30, 50 साल बाद जब भी हम लोग इस बिजनेस को छोड़ेंगे, चाहे हम रिटायर हों, चाहे हमारा बिजनेस हम बंद कर दें, जब भी हम लोग इस बिजनेस को छोड़ेंगे तो हमारी कैपिटल ज्यों की त्यों ये जो हम लगा रहे हैं वो मिलनी चाहिए हमें वापस। यानी कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किए ना वो फिक्स कर दो और ड्यूरिंग द ईयर जो भी आईओसी, जो भी आईओडी, जो भी सैलरी,
प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक अलग अकाउंट में किया जाए। तो इसीलिए जब भी मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो वहां पर दो अलग अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो कैपिटल पार्टनर लाए होते हैं उसको फिक्स करके छोड़ दिया जाता है, उसको छेड़ा नहीं जाता, और बाकी पूरा ईयरली जो भी ट्रांजेक्शन है, चाहे सैलरी मिलना हो, कमीशन मिलना हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे लेना हो पार्टनर से, या फिर ड्रॉइंग उनके अकाउंट से एडजस्ट करनी हो, या फिर आपको IOC देना हो, सैलरी देना हो, वो सब करंट अकाउंट में होगा। अगर पार्टनर ने ऐसा डिसाइड नहीं किया, उन्होंने कहा यार पैसा लगाया है, बिजनेस करेंगे, बिंदास हो गए, कोई टेंशन नहीं, 50 साल 40 साल 30 साल बाद जब छोड़ेंगे बिजनेस को, जब जो कैपिटल हमारी बनती होगी उस समय की एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो मिले लेंगे, कोई फिक्स नहीं करनी कैपिटल, तो वो मेथड हो जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसमें एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसी में ही सारी ट्रांजेक्शन होती है, और वो अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइएगा इसी के ऊपर देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो दो अकाउंट बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल में ना कुल मिलाकर सिर्फ चार चीजें आती हैं। एक आती है बैलेंस BD ओपनिंग कैपिटल, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो आएगी। इसके अलावा अगर कोई कैपिटल विड्रॉन की गई है, पार्टनर ने कुछ पैसा निकाला है, कैपिटल विड्रॉन परमानेंटली कैपिटल निकाल ली है, तो वो आएगी। और लास्ट में आता है बैलेंस CD। इन चार के अलावा कैपिटल अकाउंट में कभी कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, कभी कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करूं तो इसमें बाकी बचा हुआ सब कुछ आएगा, जो जो पार्टनर को मिलेगा वो क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस, फिर IOC मिला वो क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन मिला वो क्रेडिट, सैलरी मिली वो क्रेडिट, कमीशन मिली वो क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ वो क्रेडिट, और जो जो इनसे कटेगा जैसे ड्रॉइंग वो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट, लास्ट में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पे मिलता है, करंट अकाउंट के पे नहीं मिलता है IOC। फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें सारी की सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, बैलेंस BD आ जाएगा, IOC, सैलरी, फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट में फर्क नहीं है, ड्रॉइंग हट जाएगा, IOD हट जाएगा और बैलेंस CD आपके पास बचेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास कैपिटल और करंट अकाउंट होते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है? सर इसके दो तीन अलग अलग मेथड्स हैं, या तो क्वेश्चन आपको बताए कि भाई वो जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ये आप चेक करो कि क्या कहीं पर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का कोई जिक्र है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर करंट अकाउंट का जिक्र है तो इट मींस ये जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और दोनों अकाउंट बनेंगे। अब हमारे इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का जिक्र है एंट्री नंबर 11 में, जहां पर उसने बताया कि भैया हमारे करंट अकाउंट जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसका बैलेंस गिवन है, और पॉइंट नंबर 3 में आपको कैपिटल का बैलेंस गिवन है। दोनों का बैलेंस अलग अलग चलता है, अगर किसी एक का बैलेंस गिवन नहीं है तो उसे जीरो मान लिया जाएगा। अब मैं आपके साथ कैपिटल अकाउंट इसका डिस्कस करता हूं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा भाई, सबसे पहले बाय ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD, जो जो इनकी कैपिटल थी 40,000 P की थी पॉइंट नंबर 3 में, 30,000 Q की थी और 20,000 R की थी। इसके अलावा और क्या आता है क्वेश्चन में, अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगी तो वो आएगी, वो है नहीं। अगर कोई कैपिटल विड्रॉन किया है तो वो आएगा, लेकिन कैपिटल विड्रॉन भी कुछ किया नहीं, तो फाइनली आपका जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बन जाएगा बैलेंस CD। मैंने बोला ना कि ये कैपिटल फिक्स हो गई है, हर साल सेम चलती रहेगी। यहां पे आप टोटल करोगे वो भी सेम चलेगा, 40 30
बीस, चालीस, तीस, बीस, डन है जी। करंट अकाउंट का भी बैलेंस आपको गिवन है पॉइंट नंबर 11 में। पी में 1500, क्यू में 2000, लेकिन किंतु परंतु आर में डेबिट है 1000 रुपये। तो आर का आप डेबिट साइड लिखोगे, पता है ना आपको ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली क्रेडिट होती है। बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब जो जो इनको मिला ध्यान से समझना, तीनों को सैलरी मिली थी 5000 ईच, डन। फिर इनको आईओसी मिला था कैपिटल का 12%, 48, 36, 24, डन। और क्या मिला था सर? ये हो गया, सैलरी मिल गई, आईओसी मिल गया, कमीशन मिला था आर को बाय, कमीशन मिला था आर को 6962, 6962 की कमीशन मिली थी आर को। और क्या मिला था? प्रॉफिट मिला था सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन के नाम पर बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 48079, 48079, 46079 और 45080, 45080। और चेक करो भैया, और कुछ मिला क्या? और तो कमीशन, हाँ उसको वो भी मिला है ना, एक इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको मिला था ये इंटरेस्ट ऑन लोन? क्यू को मिला था 3000 बाय, इंटरेस्ट ऑन लोन क्यू को मिला था 3000। अब जो इन्होंने ड्राइंग की है उसको लिखो, टू ड्राइंग्स। पॉइंट नंबर 5, पी ने ड्रॉ किया 1000, तो पी में लिख देता हूं 1000। क्यू एंड आर इन एडिशन टू देयर सैलरी, जैसे क्यू की बात करते हैं, तो क्यू ने इन एडिशन टू देयर सैलरी 2500 और विड्रॉन किए हैं, यानी क्यू की सैलरी कितनी थी? 5 प्लस 2500, 7500। आर ने अपनी सैलरी प्लस 1000, यानी 5 प्लस 1 6000 विड्रॉन किए। सर इसके अलावा आईओडी आता, लेकिन आईओडी है नहीं क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं। लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे बैलेंस सीडी एज अ बैलेंसिंग फिगर। मैं पी का निकालता हूं 1500 प्लस 5000, 4800, 48079, 59379। क्यू का निकालो 5 और 2 7 और 3 10, 10600 प्लस 46079, 3000, 5969, 679। आर 5000 प्लस 2400, 6962, 45080, 59442। अब माइनस कर लो 59379 माइनस 1000, 58379, दूसरा 5 9 6 7 9 माइनस 7500, 52179, तीसरा 6 और 1 7 माइनस कर लो तो 5244। लो जी,
ये आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट था, नोट कर लीजिए एक बार कहाँ से करना है, यहाँ से करना है पोज एंड नोट। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट पोज एंड नोट ये भी करना होगा, इसको भी कर लीजिए, ये टॉपिक था आपके पास। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 7 किया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ये सेम आपका शायद क्वेश्चन नंबर हमने किया था ना अभी, एक 5 की तरह है क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कराऊंगा, एक क्वेश्चन और होगा हमारे पास, डाला है कि नहीं डाला है, 10 एक क्वेश्चन इसमें से मिसिंग है शायद, कोई बात नहीं वो मैं दे दूंगा। ठीक है जी, और एक आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी ट्राई करेंगे, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर का हमारा एक और टॉपिक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, इसको डिस्कस करना चाहूंगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, हाँ जी, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर फर्म जो है या तो फर्म या कोई इंडिविजुअल पार्टनर या बचे हुए पार्टनर गारंटी दे देते हैं किसको, किसी एक पार्टनर को, कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम इतना होगा। मान लो आप लोग एक इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हो, आप लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना है CA कोचिंग के लिए। अब आप लोग नए यंग ब्लड हो, आपने ओपन करना है, आपने मुझे अप्रोच किया कि सर आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत आपका नाम है, तो हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि यार एक बात बताओ, मैं आपके साथ क्यों जुड़ूंगा, सर आपका नया वेंचर है, शुरू में प्रॉफिट मुझे कमा के दोगे नहीं आप, तो मैं आपके साथ क्यों जुड़ूंगा। आप कहते हो कि सर ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं कमा के देंगे, हमें आपके मान सम्मान का पता है, आपको नुकसान क्यों उठाओगे, हम आपको प्रॉफिट कमा कर देंगे। प्रॉफिट कैसे कमा कर देंगे कि सर कम से कम आपका प्रॉफिट इतना होगा, साल में आपको 360,000 का प्रॉफिट हम देंगे, चाहे हमें अपनी जेब से देना पड़े। तो यहां पर आप लोगों ने मुझे यानी एक पार्टनर को गारंटी दे दी कि मेरा प्रॉफिट कम से कम 360,000 ईयरली होगा। बनता क्या इसमें, बनता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है, बनेगा वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गारंटी तीनों तरीके से हो सकती है, गारंटी को इंडिविजुअल पार्टनर भी दे सकता है, गारंटी फर्म भी दे सकती है, या फिर गारंटी बचे हुए पार्टनर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इसी के ऊपर है, सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। PQR फर्म है 2:1:1 की रेशियो है, प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर 80,000 ड्यूरिंग 2012-2013, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इफ आर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटी टू बी 28। आर की गारंटी है कि आर का प्रॉफिट कम से कम 28,000 होगा ही होगा। केस नंबर 1 ये गारंटी किसने दी है, पी ने, सिर्फ पी ने। केस नंबर 2 एनी डेफिशिएंसी, कुछ भी कमी रहती है तो कौन उठाएगा, बचे हुए पार्टनर पी और क्यू एक रेशियो में 2:1। केस नंबर 3 गारंटी इज गिवन बाय फर्म। सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर भी जो गारंटी है वो फर्म ने दी है, फर्म का मतलब है बचे हुए पार्टनर, लेकिन यहां जो रेशियो होगी ना वो रेशियो भी बची हुई रेशियो होगी। बची हुई रेशियो क्या हो जाएगी, पी क्यू आर, आर को हटा दो 2:1, पी और क्यू के बीच में जो रेशियो है। अगर फर्म गारंटी देती है तो बचे हुए पार्टनर बची हुई रेशियो, अगर बचे हुए पार्टनर रेशियो देते हैं और कुछ अपना अलग रेशियो रखना चाहते हैं गारंटी का, वो भी रख सकते हैं। आइएगा सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ इस टॉपिक को। आंसर नंबर 10 केस नंबर 1
गारंटी इज गिवन, किसने दिया गारंटी? गारंटी दी है आपको मिस्टर पी ने, गारंटी इज गिवन बाय मिस्टर पी। बनाना आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्टिंग होगी बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 80,000, 80,000 आप यहां पे लिखेंगे टू पीस कैपिटल, दो तीन लाइनें छोड़ेंगे टू क्यूज कैपिटल, क्यू में आएगा नहीं इस क्वेश्चन में तो टू आर्स कैपिटल। रेशियो पता है आपको 2:1:1, तो 40 2:1:1 में बांटा है मैंने 20 40 20 एंड 20। अब देखिए सर डेफिशिएंसी आ गई कितनी, आर की गारंटी थी कि कम से कम उसका प्रॉफिट 28,000 होगा, लेकिन कितना कम पड़ रहा है 8,000। ये 8,000 को हम लोग नाम देते हैं डेफिशिएंसी बोर्न बाय पी, इसकी गारंटी किसने दी है? पी ने दी है। तो इसमें ये प्लस हो जाएगा और यहां पर आप लिखोगे डेफिशिएंसी बोर्न, इसकी जो प्रॉफिट का रेशियो था वो 40 था, उसमें से 8 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो 8 आपने ट्रांसफर कर दिया किसको? आर को, इसका 20 रहेगा। टोटल देख लेना, टोटल सेम आएगा आपका 80 80। कुछ इस तरीके से बेसिक्स इसका चलता है। अब इसी में मेरे पास केस नंबर 2 भी था जहां पर डेफिशिएंसी बोर्न करेंगे, डेफिशिएंसी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन इक्वल रेशियो, आपको बोला इक्वल रेशियो में सब कुछ सेम रखना है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टार्टिंग सेम रखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट था 80,000 का, टू पीस कैपिटल। अच्छा एक पॉइंट मैंने आपको शायद बताया था कि नहीं, कि यहां पर मैंने चेंज कराया था ना आपको, कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिखाया था इन सब में, तो यहां पर करंट अकाउंट आपको लिखना होता है कब? जब कैपिटल मेथड फिक्स्ड है, क्योंकि ये सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होना है? करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल मेथड फिक्स्ड नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता, करंट अकाउंट बनता ही नहीं, तो फिर आप इन सब की जगह पे कैपिटल लिखते हैं। 80,000 आ गया टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। रेशियो अभी भी सेम है 40 20 20। यहां पे डेफिशिएंसी अब जो आ रही है, डेफिशिएंसी ऑफ आर वो आ रही है 8,000, और ये डेफिशिएंसी पी और क्यू बोन करेंगे इक्वली। बोन, बोन का मतलब होता है भार उठाना, कोई नुकसान हुआ है उसको उठाना। बोन बाय पी, बोन बाय क्यू इक्वली बोन करेंगे, तो 4,000 ये बोन करेगा और 4,000 ये बोन करेगा। तो आप यहां लिख सकते हो बाय पीस कैपिटल 4,000, बाय क्यूस कैपिटल 4,000, 28,000 आ गया। यहां पे आप लिखोगे डेफिशिएंसी बोन, 4,000 इसमें से माइनस हो गया,
36, यहां पे भी आप लिखोगे डेफिशिएंसी बोन 4000 इसमें से माइनस हो गया 16000, आप टोटल करोगे टोटल 80 आ जाएगा। कहां जा रहा है भाई, आप टोटल करोगे टोटल 80 आ जाएगा। ठीक है जी, नोट करो एक बार पोस्ट करके, नोट करो पोस्ट करके। गारंटी पी ने दी, गारंटी पी और क्यों ने दी। अच्छा तीसरा, जहां फर्म ने गारंटी दी, मैंने आपको उसका लॉजिक बता दिया। फर्म ने गारंटी दी है मतलब बचे हुए पार्टनर ने गारंटी दी है, बची हुई रेशियो में गारंटी दी है। तो वहां पर बचे हुए पार्टनर बची हुई रेशियो में बांटते, यानी थर्ड केस में पी और क्यू बांटते लेकिन 2:1 में। तो अब आपका 8000 का 2:1 आप कर लेते वो इसमें आ जाता। तो केस नंबर 3 नहीं करा रहा हूं मैं, वो आपको पता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है जी, तो चलो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं बच्चे। या मैं एक काम करता हूँ, लेक्चर को रोकने से पहले ना थोड़ा सा आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। जहाँ तक हमने कर लिया है वहाँ तक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स होगा तो शायद एक दो पॉइंट्स हैं जो हमारे रुके हुए हैं, वो मेरे को इसी से कराने हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये तो मैंने सारा आपको बता दिया था, पार्टनरशिप डीड भी दिखा दी थी। पावर ऑफ पार्टनर्स ये आपका कुछ खास नहीं है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन मैंने आपको बताया। अच्छा एक ये इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्रीज भी हैं। अगर मैं आपसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्रीज की बात करूं वो कुछ अलग नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे तो आप कैसे करोगे, जैसे नेट प्रॉफिट की करोगे तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू आर्स करंट अकाउंट टू क्यूज टू आर्स, ऐसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन या टू आर्स करंट अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस टू क्यूज टू आर्स। तो इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री होती है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज है, वही चीज यहां पर इन्होंने की हुई है। इलस्ट्रेशन वन आप देखना, ये इलस्ट्रेशन टू जो है ना, जैसे चलो मैं एक बार आपके साथ पढ़ लेता हूं। राम रहीम एंड करीम पार्टनर्स हैं, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके। अब आप मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाएगी, इक्वल। आईओसी को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या आईओसी दिया जाएगा, नो। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर किसी ने एडवांस किया है तो उस पर भी नहीं है लेकिन वो दिया जाएगा, कितना, 6%। पार्टनर्स को सैलरी रेम्यूनेशन देने के बारे में कुछ नहीं लिखा तो जीरो, नहीं दी जाएगी। अब राम हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड करता है आईओसी 10%, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहता है कैपिटल रेशियो में करो, लेकिन रहीम और करीम कहते हैं नहीं करेंगे। कौन जीतेगा सर, रहीम एंड करीम जीतेंगे। क्यों, क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। ऐसे ही कहता है कि भाई रहीम ने डिवोट किया है ज्यादा टाइम, वो कहता है मुझे सैलरी दो, नहीं मिलेगी। करीम डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 एडवांस बाय हिम, 12% पे डिमांड करता है। सर डिमांड तो ठीक है लेकिन 12% गलत है, 6% मिलेगा सिर्फ। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। ध्यान से समझना इसको, 10% किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। नेट प्रॉफिट है 45, तो मैंने यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट 45, सैलरी नहीं मिलेगी, आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी नहीं होगा, सिर्फ कमी इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। लोन कितना है 2000, 12% मांग रहा था, 12% नहीं मिलेगा, सिर्फ 6% मिलेगा, 120। अब ध्यान से समझो, ये तो है आपका नेट प्रॉफिट, उसमें से 120 इसको हटाओ तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसका 10% निकालना है आपको। 45,000 माइनस 120 यार है 44880, उसका 10% निकालना है आपको 4488, और ये आपका प्रॉफिट है जो कि इक्वली डिवाइड होगा बस। इलस्ट्रेशन थ्री,
इसके बाद आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया है इन्होंने, वो आप देख लेना, उसमें कुछ खास नहीं है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया, फिक्स्ड में दो बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग में एक बनेगा। अब ये इन्होंने एक एक करके पॉइंट को डिस्कस किया। आईओसी, आईओसी की एंट्री क्या करोगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल कैपिटल या करंट अकाउंट, मैंने आपको बताया कब कैपिटल होगा कब करंट होगा। अगर लॉस होता है तो क्या आईओसी दिया जाएगा, नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, इसको ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दस इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड, अगर कोई लॉस होता है तो आईओसी नहीं दिया जाएगा, बट इन केस ऑफ इनसफिशियंट प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट है लेकिन कम है तो उस केस में रेशियो ऑफ कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बल्कि क्वेश्चन है यार, क्या कराऊंगा फिर, इसी को उठा लो ना। शिल्पा एंड संजू पार्टनर है, 1,00,000 और 1,60,000 इनकी कैपिटल है रिस्पेक्टिवली। शिल्पा ने और एडिशनल कैपिटल लगाई 1 जुलाई को और फिर 20,000 लगाई इस डेट पर, कैलकुलेट करो आईओसी। नहीं ये तो अलग चीज़ है सर, ये तो आईओसी का कैलकुलेट करना, ये तो आप कर ही लोगे, इसका इशू नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये क्या बताएंगे सर, मैंने तो इतने करा दिया आपको। फिर हम लोग गारंटी पर आ चुके हैं और गारंटी में अच्छा कैपिटल रेशियो भी हमने कर ली थी इफेक्टिव कैपिटल से, देख रहे हो सेम क्वेश्चन किया था हमने लगभग, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल जरूर कर लेना इंपॉर्टेंट है। कुछ खास होगा तो मैं आपको बताऊंगा खुद ही। ये वाला हमने पॉइंट किया था कि गारंटी अगर फर्म ने दी है तो क्या होगा, सिर्फ ए ने दी है तो क्या होगा और ए और बी ने इक्वली दी है तो क्या होगा। चलिएगा तो बाकी हम लोग अभी नहीं देखते, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वैसे आप देख रहे हो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, अगर वैसे देखोगे स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। जैसे अगर मैं आपके साथ ये डिस्कस भी कर लूँ या नेक्स्ट क्लास में करूँ, कर लेते हैं सर, देख लेते हैं, सारा तो हमने कर ही लिया है, इसको भी डिस्कस कर लो एक बार। इफ अ फर्म प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी शोन एट द अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर एज कैपिटल इन द फर्म देन एंट्रीज फॉर सैलरी इंटरेस्ट ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट आर मेड इन। अब कहता है अगर फर्म ने प्रेफर किया है कि वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएगा उस अमाउंट को शो करने के लिए जो इंट्रोड्यूस किया है पार्टनर ने एज कैपिटल, तो सैलरी इंटरेस्ट ड्रॉइंग आईओसी ये सब किस में दिखाओगे आप, पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाओगे। अगर कोई एब्सेंस है एग्रीमेंट है पार्टनर्स आर लाइबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ लोन और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज पार्टनरशिप। फर्म हैज अर्नड एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी रिन्यूड इन सच अ केस द प्रॉफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन पता नहीं इन्होंने यहाँ क्यों डाल दिया, एक बार इसका अगर मैं आपके साथ वो देखूँ, मैं आंसर देख रहा था फोर्थ का बी है, ठीक है, पता नहीं क्यों डाल दिया, डालना नहीं चाहिए था। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अलग चैप्टर है, गुडविल का चैप्टर है उसमें आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग अगर कॉमर्स से हो तो आपको पता है कि गुडविल की कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग सिर्फ नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। अगर नॉन साइंस, अगर साइंस से हो तो अभी रुक जाना, मैं सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के माइंड में डालना चाह रहा हूँ। जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते थे क्लास ट्वेल्थ में अकेडमिक में, तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट लेते थे, एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए उसको गुडविल की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर एग्रीमेंट की एब्सेंस है, यानी एग्रीमेंट की एब्सेंस का मतलब है पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू, उनको क्या क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, कमीशन सैलरी नहीं मिलेगी। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनली व्हेन एग्रीड बाय द पार्टनर्स या प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट बोथ ए एंड बी अबव। सर देखिए वैसे तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो इसके पे सी के साथ जाऊंगा, मैंने आंसर नहीं देखा अभी कि भाई दोनों हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कब होगा, प्रोवाइड हो एग्रीमेंट में लिखा हो, अगर नहीं भी लिखा लेकिन पार्टनर एग्री कर रहे हैं तो तब भी आप कर सकते हो, क्या दिक्कत है। इनका आंसर मुझे नहीं पता इन्होंने क्या दिया होगा, हालांकि सी ही दिया है, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन अ गारंटी बाय अदर पार्टनर लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉर्न बाय
पार्टनर हु गेव द गारंटी, डन। तो ठीक है जी, अभी नेक्स्ट क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, थोड़े से अच्छे और ट्रिकी और बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और हो सकेगा देखेंगे टाइम क्या निकलता है, अगर हमें नया स्टार्ट करना पड़ेगा तो हम पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू बच्चे, रिवाइज जरूर कीजिएगा, यहाँ तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।